कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए भदोई के कालीन व्यापारी NH2 मुख्य मार्ग पर कालीन के छोटे छोटे स्टॉल लगाकर विदेशी और देशी सैलानियों को रिझा रहे हैं। छोटे स्टॉलों पर खूबसूरत कालीनों को बेचकर व्यापारी मुनाफा कमा रहे हैं। NH हाईवे 2 पर भदोई से लेकर प्रयागराज तक लगभग 1000 कालीन की दुकानें टेम्परेरी रूप में बनाई गई हैं, जो कुंभ को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अब जब ये मार्केट हर साल लगता है, केवल कुंभ में लगता है? नहीं, कुंभ में लगा। तो कुंभ में लगाने का पर्पज क्या होता है, क्यों आप लोग कुंभ में लगाते हो? वो लोग आते हैं अपना नहाने के लिए, वहाँ पे इलाहाबाद में, इसलिए मतलब लगा रहे थे, तो बिक्री होता है, धंधा चलता है अच्छा। तो अच्छा धंधा चलता है कुंभ में मतलब? मतलब आने जाने वाले जो वो रहता है, तो लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। व्यापार बढ़िया चल रहा है अभी? अभी तो मतलब फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन आगे जब 15 तारीख से पीक था, अभी थोड़ा कम है। अच्छा, जब जब स्नान होता है तब आपका व्यापार बढ़ जाता है? पहले दुकान लगाते हैं, केवल उनके मेले में ही लगाते। तो अभी कैसा चल रहा है दुकानदारी? बहुत अच्छा चल रहा है। विदेशी सैलानी भी आते हैं कि सिर्फ देश के ही लोग? नहीं, विदेशी भी आ रहे हैं। तो अभी कितनी दुकानें यहाँ मार्केट में लगी होंगी? यहाँ पर होंगी 1000-1200। तो अभी मतलब सही चल रहा है बिजनेस? बिजनेस चल रहा है बिजनेस, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। ये जो कालीन है वो यहाँ से हाथ से बनी हुई है कि मशीन द्वारा बनी हुई है? ये हाथ का भी है, मशीन का भी है। कौन सी ज्यादा बिकती है, हाथ वाला या मशीन वाला? नहीं, दोनों बिक रही है। हाथ वाला भी बिक रहा है, मशीन वाला भी बिक रहा है।